पूर्व भारतीय निशानेबाज और अर्जुन अवार्डी सुमा शिरूर 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के प्रति कॉन्फिडेंट है। 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट को पूरा विश्वास है कि इंडियन शूटिंग से 2-3 मेडल आ सकते हैं। जिस मैंने कहा है कि अगर हम पिछले साल के हमारे रिकॉर्ड को देखें तो इंडिया सारे वर्ल्ड कप्स में टॉप मेडल टैली में टॉप किया है इंडिया ने, तो अगर उस स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली इस साल ओलंपिक्स में मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंडिया 2-3 मेडल तो ला सकती है। भारतीय टीम ओलंपिक में मेडल के लिए क्या किसी खिलाड़ी पर निर्भर है, ऐसे में जूनियर टीम की सच ने कहा। अभी ऐसा है ना, हमारा इंडियन टीम पहले जैसे स्टार्स होते थे, एक स्टार हो गया, सभी सिर्फ एक स्टार पे उम्मीद करके बैठते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी हमारे पास कई स्टार्स हैं। तो एक्चुअली जो इंडिया की शूटिंग टीम है, इट्स अ स्टार स्टडेड टीम, तो एनीवन कैन विन, बट लाइक आई सेड, जो इंडियन 10 मीटर एयर राइफल की इवेंट है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई उसमें से कोई भी किसी भी दिन मेडल जीत सकता है। क्योंकि अभी तक फाइनल टीम डिसाइड नहीं हुआ है तो नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ज़रूर मैं ये एक और 10 मीटर एयर पिस्टल मेन है, जहाँ पर दोनों भी हमारे कंटेंडर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप रह चुके हैं कई बार, तो मैं कहूँगी ये 2-3 इवेंट में बहुत उम्मीद है मुझे। जूनियर टीम के सदस्यों के बारे में बात करते हुए कहा, मैं जूनियर राइफल टीम की हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे जूनियर नेशनल स्क्वाड के 3 मेंबर्स सीनियर टीम में हैं, जिन्होंने ओलंपिक कोटा जीता है। दिव्यांश सिंह पनवर है, जो बहुत ही हाई स्कोर्स मार कर चल रहे हैं आजकल, और उन्होंने ISSF का गोल्डन टारगेट अवार्ड भी जीता है। 11L है, जो जिसने फिर से ISSF का गोल्डन टारगेट अवार्ड जीता है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, वर्ल्ड कप फाइनल्स भी जीता है। तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं जूनियर स्क्वाड के, तो उनके ये परफॉर्मेंस को देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है।